तो आप सभी का इंतजार होता है खत्म और क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आपके लिए आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। तो जैसा कि बहुत दिनों के बाद आपके लिए क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आ रहा है। आपको बहुत दिनों से बोला था कि मैं क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर लाऊंगा। बहुत आप सुन सुन के पक चुके हो, फाइनली आपके लिए आ चुका है। ठीक है, तो बाकी करते हैं स्टार्ट और हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और कंप्लीट पूरा वन शॉट आपको करवाऊंगा। पूरा कंप्लीट 1.1 आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो आपको ध्यान से देखना है पूरा अंत तक और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा वीडियो खत्म होने तक। आगे बात समझ में, तो करते हैं स्टार्ट। आपको क्या क्या चीज़ लेके बैठना है पहले समझ लो। और आप नए जुड़े हो तो आपको लेके बैठना है साथ में NCERT और साथ में एक रफ नोटबुक और कुछ भी नहीं। और बाकी और जिसने भी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी जाकर कंप्लीट देख लीजिए, उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला। ये बात आपको याद रखना है, इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत दिनों से आ रही है और बहुत सारी आ चुकी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखा भी है तो उनको समझ में आने वाला है और बहुत सारे ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो मैंने बना रखा है वो भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बाकी जाकर देखिए, पहले उसको पॉज करिए, जाकर पहले वाली वीडियो देख कर आइए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर आपको इसके बेसिक इस चैप्टर की जो बेसिक्स है वो आपको वहाँ पर सिखाया है, तो आपको जाकर सीखना है, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। और आपको जैसे कि बता दूँ क्लास 9 जो आपकी वाली बुक है ये पूरा कंप्लीट मैं करवाऊँगा आपको। तो धीरे धीरे आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैप्टर की इस तरीके से करके वो धीरे धीरे पूरा कंप्लीट बुक करवा दूंगा। बाकी फिलहाल में करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और बाकी यहाँ पर लिखा नहीं है ना तो लिख देते, कोई बात नहीं। और बाकी आपको अपने साथ में एनसीईआरटी रख लेनी है। तो इसमें देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन से, तो आपको पता चल गया परमिशन का किसे कहते हैं तो सीख चुके क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखा है आपने, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था परमिशन का किसे कहते हैं। देखा नहीं, देखा नहीं, देखा ना, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो दोबारा से, दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, तो चाहो तो आप देख सकते हो अपनी बुक में या फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन ऊपर लगा दूंगा, देख लूंगा जैसे भी होगा, ठीक है। तो बाकी अपनी बुक में देखो आप, ठीक है। क्या पहला क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है आपका पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल से आपके परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख दिया और आपको मैंने सिखा रखा है कि जीरो क्या है आपका एक परिमेय संख्या होता है। जब किसी के बट्टे में कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, बट्टे में क्या है, वन है। और जीरो के बट्टे में कुछ भी रख दो आंसर जीरो ही आने वाला है। अब मैंने मान लिया जीरो बट्टे में 7 रख दिया, इसका आंसर भी जीरो ही आने वाला है, लो देख लो, ठीक है। अब जीरो के बट्टे में मैंने 8 रख दिया, इसका भी आंसर जीरो आने वाला है क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से भाग करो आंसर तो भैया जीरो ही आने वाला है, जीरो तो जीरो ही है, आपको जैसे बताते रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि जीरो एक परिमेय संख्या है और कैसे परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू में ले सकते हैं और पी क्यू क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। तो जीरो भी आपका पूर्णांक है और 8 भी आपका पूर्णांक है। आगे बात समझ में ना, पूर्णांक पता नहीं किसे कहते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो बाकी बता नहीं रहा, तो जीरो भी आपका पूर्णांक है और 8 भी आपका पूर्णांक है, तो पी बटे क्यू के रूप में आप लिख भी सकते हो उसको और ये आपका एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में, ओके। आगे बात समझ में, तो उसको उतार लो। तो बाकी दो तीन एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मान लिया इसको पहले माइक को सही से लगाते हैं, भाई माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बुक को छूने भी नहीं दे रहा भाई, माइक को अरेंज करते हैं, सही लग रहा हूं जी, बताओ, ठीक है। बाकी करते हैं स्टार्ट, तो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो ये रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो बाकी आपको यहाँ पर 3-4 एग्जांपल भी लिख देना है साथ में। तो मान लिया पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, जीरो पट्टे में 3 लिख दो, जीरो पट्टे में 4 लिख दो, जीरो पट्टे में 5 लिख दो, ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जीरो एक परिमेय संख्या होता है, इसको आप पी बटे क्यू के रूप में अरेंज कर सकते हो, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, ये बात आपको याद रखना है। और परिमेय संख्या क्या कंडीशन है कि पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू बराबर जीरो दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये सब जीरो तो है ही नहीं ना। आगे बात समझ में, तो बाकी पहला क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, तो रफ करो उसको। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बातों में, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था भाई, सारा क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसकी सबसे सिंपल ट्रिक आपको सिखाता हूँ, आ जाओ जल्दी आओ। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है। तो 6 से ज़्यादा नंबर सोच लो, क्या होता है 6 से ज़्यादा नंबर, 7 होता है। तो 7 को दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ भी 7 को ऊपर और नीचे और यहाँ भी 7 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो पहले। तो 3 × 7/7 लिख दिया भैया, और इधर भी तो 4 × 7/7, सिंपल सा है बिल्कुल। इतना कर लोगे आप, कर लिया, याद रहे अगर 6 निकालना तो एक ज़्यादा, अगर 7 निकालना तो उससे एक ज़्यादा, आपको ये बात याद रखना है, ओके। और 7 को ऊपर भी कर दिया, 7 को नीचे भी कर दिया, काटने में कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है। अब गुणा कर दो, कितना आ गया पर 21/7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 28/7
7 आ चुका है, यहाँ पर 21 बटे में 7, यहाँ पर 28 बटे में 7। अब इसके बीच में आप 6 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हो। देखो परिमेय संख्या है ना, ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और पी और क्यू आपका क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिख देनी है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो 22 आपको स्टार्ट कर देना है, यानी कि 22 बटे 7, 23 बटे 7, फिर अगला 24 बटे 7 हो गया आपका, ठीक है, फिर देन 25 बटे 7 हो गया आपका यहाँ पर, फिर देन 26 बटे 7, और इसके बाद 27 बटे 7, 6 ही नंबर आने वाला है, क्योंकि करा भी हमने इस तरीके से अरेंज इसको कर रखा है, इसलिए 6 ही नंबर आने वाला है इसके बीच में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो 6 परिमेय संख्या आपकी निकल चुकी है, और ये आपका सही तरीका करने का, इसी तरीके से आपको करना है। आगे बात समझ में, एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, जिसको आपको करके बताना है, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में आपको बहुत सारे होमवर्क मिल जाएंगे जो कि मैंने दे रखा है, या फिर आने वाला होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत जल्द, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही मिल जाता है काफ़ी, यहीं पर कि जिसको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना जाके कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट, अब मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन में सिंपल सा आपकी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए, अपनी बुक में देखो, इधर उधर मत देखो, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। पहले देखो क्या लिखना है, 3/5 हो गया, और आपको क्या दिया यहाँ पर, और 4/5 के बीच में, यहाँ पे आपको वही तरीका सिंपल सा, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 5 से एक ज़्यादा नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से आपको ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना है, सबसे सिंपल तरीका, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो 3/5 गुणा में 6 ऊपर भी कर दिया, 6 नीचे भी कर दिया, सिंपल सा है, और उसको धन ले दो, 4/5 गुणा में 6 ऊपर भी 6 नीचे भी, करना तरीका सिंपल सा ही रहेगा, ठीक है। 6 18 बटे में 6/30, और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, कि इसके बीच में अनेक परिमेय संख्या आ सकती हैं, इसको चाहो आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो परिमेय संख्या बदल जाएगी, इसको आप 8 से करोगे, आपके दोस्त कुछ और नंबर निकाल रहे होंगे, तो इसकी परिमेय संख्या कुछ भी आ सकती है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर से, मान लो यहाँ पर आपने 9 से उड़ा करा तो बट्टे में कुछ और आ जाएगा आपका, 10 से करते हो तो बट्टे में कुछ और आ जाएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 18/30, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 24/30, ओके। अब इसके बीच में आप 5 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हो, लिख दो भाई। तो अगला आपका नंबर क्या है, 19/30 हो गया, फिर देन 20/30, फिर देन 21/30, फिर देन 22/30, फिर देन आपका हो जाएगा 23/30। देखो 5 परिमेय संख्या आपकी हो चुकी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 परिमेय संख्याएं आपकी आ चुकी है 3/5 और 4/5 के बीच में। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और बाकी अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आगे बात समझ में, अगर नहीं यार दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है, क्योंकि पहली बार देख रहे हो ना, 3-4 बार नहीं देखो तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी मैथ ऐसी चीज़ है ही, आपको 3-4 बार देखना ही होगा और 3-4 बार प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी समझ में आने वाला है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। जो सोच रहे हो ऐसे मक्कारी करके काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है, करना पड़ेगा प्रैक्टिस भाई, कॉपी भरनी पड़ेगी। तो बाकी आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है फिर असत्य, आपको बताना है और कारण भी बताना चाहते हैं, ठीक है, आपको कारण भी बताना है किस तरीके से आपका ये, मतलब किस कारण से आपका असत्य है या फिर किस कारण से सत्य है, आपको एग्जाम्पल भी साथ में देना है सिंपल सा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं और सभी को करते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट आपका क्या है इसका, इसमें तो पहला पार्ट आपका क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, आपको बताना है। इसलिए मैंने आपको करवाया था बेसिक में, इंट्रोडक्शन में, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसलिए आपको कह रहा था कि पहले जाके वाली वीडियो देखो, आपको समझ में नहीं आने वाला प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि आपने साथ ही कुछ पढ़ा तो है नहीं है, ऐसे ही पास होते चले आए हो, करोगे क्या, ठीक है। तो बाकी जाके देखो, मुझे पता है आप क्या करते, कोई बात नहीं, जाके देख लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखोगे आराम समझ में आ जाएगा आपको पूरा। तो बाकी पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, आपके लिए क्वेश्चन लिख ही देता हूँ यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बताना है क्या होती है, अगर होती है तो क्यों होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब देखो प्राकृत संख्या आपका क्या है, छोटा आदमी है, और पूर्ण संख्या क्या आपका बड़ा आदमी है, क्यों, प्राकृत संख्या में क्या आता है आपका 1 2 3 4 इस तरह डेढ़ डेढ़ डेढ़, ठीक है, अनंत तक, और पूर्ण संख्या में क्या आता है आपका, ये बड़ा आदमी है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाता है, समझे बात। तो ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, इसके पास 10 रुपये हैं, इसके पास 20 रुपये हैं। अब मैंने बोला अभी 10 वाला जो आदमी है वो 20 वाले आदमी के पास जाके पूछता है क्या तुम्हारे पास 10 रुपये है, तो जाहिर सी बात उसका 10 रुपये तो होगा ही ना, कि उसका 20 रुपये 10 रुपये ज़्यादा जो कि होता है। तो इस तरीके समझ सकते हो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट होने वाला इसके अंदर फिट हो जाएगा,
आगे बात समझ में? तो इसलिए प्राकृत संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या होती है, हर हालत में होती है, क्योंकि एक से स्टार्ट हो रहा है और जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है उसके बाद एक ही तो आता है, एक ही आता है ना, और एक के आगे जितने नंबर होते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो उसका आंसर है सत्य, और एग्जाम्पल दे सकते हो 1, 2, 3, 4, या फिर ये जो बताया आपको मैंने पूरा यही लिख सकते हो सिंपल सा। आगे बात समझ में? बस फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। जैसे कि देख लो, पहले दोबारा से बता दे रहा हूं आपको, कभी जाके वहां पर इंट्रोडक्शनल वीडियो देख लेना, वहां पर आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक, और ऋणात्मक की तरफ यानी कि माइनस का, ऋणात्मक की तरफ यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरीके से आपका अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होता है बताया मैंने आपको पहले, जो जीरो से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। ओके, बात आगे बात समझ में ना, डेढ़ से अनंत तक। तो जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो बड़ी बात कर दी इसने। ये बड़ा आदमी छोटे आदमी से कंपैरिजन कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, इसके पास माइनस दो है, पर क्या पूर्ण संख्या के पास माइनस दो है? नहीं है। तो ये समझ लो कि बड़ा कमरा है और ये छोटा कमरा है, तो बड़ा कमरा छोटे कमरे में फिट नहीं हो सकता, आपको इतना समझना है सिर्फ। तो इसके बाद देखो, एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए माइनस दो, जो कि पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता। माइनस दो एक पूर्णांक तो है, पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए असत्य हो गया। आगे बात समझ में? बस इतना आपको कारण लिखना है। माइनस तीन भी हो सकता है, माइनस चार भी हो सकता है, आपके दिमाग में सही आंसर आ रहा है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में। आगे बात समझ में? तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा कमरा है और ये छोटा कमरा है, तो बड़ा कमरा छोटे कमरे में कभी भी फिट नहीं हो सकता, छोटा कमरा बड़े कमरे में फिट होता है। आगे बात समझ में? आगे ना कोई डाउट नहीं होगा ना, तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अभी इसने पूछा कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या पता है किसे कहते हैं? अभी जैसा आपको बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेम वही चीज़। तो परिमेय संख्या जो आपकी क्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी इम्पॉसिबल है। कैसे? देखो, यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होता है आपका, जो जीरो से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 डैश इस तरीके से, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो पी बटे क्यू के रूप में मान ली, सपोज आपका 2/3 है, ये क्या आपका एक परिमेय संख्या है, पर क्या पूर्णांक है? पूर्णांक कभी बन नहीं सकता। कहाँ ये परिमेय संख्या 2/3 काटने पर 1.0 समथिंग आएगा इसका आंसर, और इसमें कहीं फिट ही नहीं हो सकता। जो परिमेय संख्या आपकी होती है वो कभी पूर्णांक संख्या नहीं बन सकती, ये बात आपको समझना होगा। और इसको लिख दो यहाँ पर असत्य, और एग्जाम्पल में आप यही डाल सकते हो, जैसे कि 3/5 हो गया। 3/5 एक परिमेय संख्या तो है, पर वो एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 आपका एक परिमेय संख्या तो है, पर वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आगे बात समझ में? आपको डाउट नहीं आना चाहिए, बस इतना सा आपको एक दो एग्जाम्पल लिख देना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट आता है, ठीक है। बाकी एक नंबर का या फिर आधे नंबर का क्वेश्चन आता है, और कुछ ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो बाकी इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9th का खत्म होता है। तो वन शॉट हमने इस वीडियो में पूरा पढ़ लिया है, और आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास 9th का जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट पार्ट नहीं कहेंगे उसको, वन शॉट वीडियो था आपका, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाया गया था आपके लिए, और जो कि कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी से आपके जो आगे क्वेश्चन है 1.2, 1.3 आपका सॉल्व होने वाला है, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखो, जरूरी है क्योंकि आपके लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।